ये तुम दोनों खा लो। अम्मा ये रोटी तो बहुत सूखी है, निक्की जैसी रोटी हमें भी दे दो ना। चुपचाप खा लो, यही है। अम्मा दांत से चपटी नहीं ना ये रोटी, थोड़ी सी दाल दे देना, दाल में भिगो के ठीक हो जाएगी। बेटा दाल कल मिलेगी, आज इसे पानी में भिगो कर मुलायम करके खा ले। हुँ? अरे रानी चक्की पर चलना है कि हाँ, नहीं? हाँ, आई, रुकना एक मिनट। मुन्ना निक्की का ध्यान रखना, ठीक है? सीताराम जी। लड़ाई वो मुसद्दी लाल का आटा पीस दिया। हाँ जी पीस गया। और वो झंडू राम का, उसका पीस रहा हूँ जी। राम राम लाला दमड़ी लाल। राम राम जी, राम राम। ये दो बोरी गेहूँ लाया हूँ, इसे साफ करके पिसने दे दो। अभी लो सेठ जी, मगर बिनाई के पैसे दुगने रेट लगेंगे। लाला दमड़ी लाल, पाँव तुम्हारे कब्र में लटके हैं, मगर पैसे का मोह नहीं गया तुम्हारा। तुम्हारा तो चला गया सेठ शफी चंद, तभी तो तुम होने पोने दामों पे सरकारी गोदामों में जानवरों के खाने का नीलाम रातिब, उसको यहाँ साफ करा के उसका आटा जनता को ऊंचे मूल्य पे बेचते हो। क्या कह रहे हो लाला, अगर व्यापारी सस्ता खरीद कर महंगा नहीं बेचेगा तो खाना खाने गुरुद्वारे जाएगा क्या? अच्छा तो एक तुम ही व्यापार कर रहे हो, हम तो ये आटा पीसने की चक्की पुनः लूटने के लिए खोल के बैठे हैं। लाला दमड़ी लाल, तुम क्या पुण्य लूटोगे, तुम्हें इन गरीब मजदूरियों का खून चूसने से फुर्सत मिलेगी तो ना। हम मजदूरों का खून चूसते हैं? क्यों, क्या दिहाड़ी देते हो इनको? तुम्हें से मतलब? अरे हमें कोई मतलब नहीं, तुम हमारा माल पिसवा दो बस। हमारी चक्की पे कंकर पत्थर नहीं पीसते समझे? क्या कहा, ये कंकर पत्थर है, गेहूं है गेहूं। अरे पाव डेढ़ पाव तो जरूर होगा तेरी बोरी में। कह ले लाला, तुझे तो मैं बाद में निपटूंगा, मुझे जरा जल्दी है। तो मेरे सिर पे चढ़ जाइए। हाँ। अरे रानी देवी के नाम की तिथि है, लाओ। रानी, ओ रानी। हाँ लाला। ये तेरी चिट्ठी आई है तो पढ़ के सुना दो ना। ये किसी रमा देवी ने भेजी है भैसोली गांव से। कौन है ये? मेरी बचपन की सहेली है। क्या लिखा है? अपने बेटे के मुंडन पे बुलाया तुझे। क्या हो? कल मैं जरूर जाऊंगी लाला। ओए, तेरा क्या दिमाग खराब हो गया? पूरे हफ्ते के पैसे काट लूंगा। हाँ लाला, मैं रमा को नाराज नहीं कर सकती। तो मुझे कर सकती है, देख कान खोल के सुन ले, ये सारा का सारा माल ना मुझे कल पीस के देना। हो जाएगा लाला, मैं देर रात तक काम कर दूंगी, पर रमा के नाते पे जरूर जाऊंगी। ठीक है, मुझे क्या लेना, मुझे काम से मतलब है। रानी आजा, मैं तो तेरे उम्मीद ही छोड़ दूंगी। क्या बताऊं रमा, बच्चों के साथ देर हो ही जाती है। ये सब तेरे हैं क्या? हाँ, ये मेरे बच्चे हैं। चल बैठ। अरे सुखिया, हाँ सुखिया। अरे भैया ले जाए ने, ये सब मेरी सहेली रानी के बच्चे हैं, इन्हें लड्डू वड्डू खिलवा। ओ सुना रानी, तू बड़ी कमजोर लग रही है। क्या बताऊं रमा, बस किसी तरह गुजर हो रही है। तेरा मर्द क्या काम करता है? मजदूरी करते हैं। और तेरा मर्द? वो भी मजदूरी करते हैं, मगर तेरी हालत देखकर लगता है कि तेरे मर्द को अच्छी दिहाड़ी मिलती है। अरे दिहाड़ी वाड़ी तो सब जगह एक सी होती है, बस यूँ कहो हमारा हाल इसके अच्छा है कि मैं स्कूल में आया का काम करती हूँ। अच्छा। हाँ रमा, मुझे भी स्कूल में नौकरी मिल सकती है। हाँ क्यों नहीं, पता कर, अगर जगह खाली है तो क्यों नहीं मिल सकती। लेकिन तू पढ़ना लिखना तो जानती है ना? नहीं रमा, तू तो जानती है अम्मा बापू ने स्कूल जाने ही नहीं दिया। अरे रानी, मेरा हाल भी तेरे जैसा था, पर मैंने तो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जाकर पढ़ना लिखना सीख लिया है। ये प्रौढ़ शिक्षा केंद्र क्या है? ये उन लोगों के लिए होता है जो बचपन में स्कूल नहीं जाते। मगर हमारे गांव में तो ऐसा कोई केंद्र नहीं है। तू ऐसा कर, यहाँ आ जाए कर, पढ़ना लिखना सीख ले। मैं तो कहती हूँ कमाई के ऐसे बहुत से नए रास्ते खुल जाते हैं एक पढ़ा लिखा होने से। मैं तेरा बहुत एहसान मानूंगी, तू मुझे अपने गांव के केंद्र में पढ़वा दे।
इसमें एहसान की कौन सी बात है, लेकिन तू रोज आ जाया करेगी क्या? मैं आ जाया करूंगी, मुझे पढ़ना लिखना सीखना है, मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी दिलदर की जिंदगी जिए जो मैं जी रही हूँ। ऐसा कर, तू कल से ही आ जा। लो, बच्चे भी आ गए। तुमने कुछ खाया भी? अरे बड़े शैतान हो तुम लोग, चलो वापस रखो इन लिफाफे। अरे नहीं नहीं, ये तो बस यूं ही मना कर रही है, ये सब तो सबके घरों में ले जाने के लिए है। चला तू भी कुछ खा ले। रानी तेरा दिमाग उलट गया है क्या? पहले उल्टा रहा, अब सीधा हो गया। अरे तो तू रोज फैसोली गांव जाएगी क्या? हाँ जाऊंगी, मगर यहाँ बच्चों को कौन संभालेगा? तू और कौन? मैं? अरे पगली, अगर लाला शाम को दिहाड़ी लगाएगा तो कोई मैं दिहाड़ी को छोड़ करके मैं तेरे बच्चों को खिलाऊंगा। क्यों, वो सिर्फ मेरे बच्चे हैं, तेरे बच्चे नहीं है क्या? ओहो है ना, तभी तो इनके लिए दिन भर मजूरी करने के बाद शाम को भी दिहाड़ी करने के लिए मरता रहता हूँ। देखो हमें आज की नहीं कल की भी सोचनी चाहिए। रमा पढ़ना लिखना सीख गई तो उसे गांव के स्कूल में आया की नौकरी मिली हुई है, अब मुझे भी मिल जाएगी। मगर पढ़ना लिखना सीखना कोई चुटकी बजाते होने वाला काम नहीं है। हाँ नहीं है, मगर जो वक्त हम इसमें लगाएंगे वो आगे चल के फल जो देगा। पता नहीं देगा या नहीं। देख हमेशा ऐसा उल्टा मत सोचा कर, जरा सोच, मुझे भी रमा की तरह स्कूल में आया की नौकरी मिल गई तो हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकेंगे, उनकी जिंदगी सवर जाएगी। मगर मेरे बस में नहीं है इस छोटी निक्की को संभालना। ठीक है, तीन चार घंटे की तो बात है, मैं मुन्ना से कहूंगी वो बैठ जाया करेगा निक्की के पास। ठीक है, जो तेरी मर्जी में आए कर। इसको बार बार लिखना, ये लो। रानी रानी, क्या बात है रानी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मेरी तबीयत ठीक है बहन जी, पर मेरी 2 साल की बेटी बीमार है। क्या हुआ उसे? पता नहीं, रात भर बदन जलता रहा उसका। ओ, तो अब उसके घर पे कौन देखभाल कर रहा है? कौन देखभाल करेगा उसकी? अरे अरे रो मत, बताओ तो क्या बात है, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत मेहरबानी होगी बहन जी। इसमें मेहरबानी कैसे, चलो बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे 2 बेटे हैं, निक्की है। कितने बड़े हैं, छोटे ही होंगे वो तो? हाँ बहन जी, मेरा बड़ा बेटा 8 बरस का है। तो क्या तुम्हारा मर्द नहीं बैठ सकता निक्की के पास? नहीं बहन जी, वो शाम को मजूरी करने जाते हैं,
दो चार पैसे की कमाई हो जाती है तो कैसे छोड़ दे। मगर रानी ये समस्या तो हमेशा ही तुम्हारे साथ लगी रहेगी, फिर जहाँ रोज रोज कैसे आ सकोगी। मेरी एक बिनती है बहन जी। अरे अरे हाथ मत जोड़ो, मैं तो तुमसे छोटी हूँ। ठीक है मैं हाथ नहीं जोड़ती, पर एक बिनती करती हूँ, आप मेरे गांव में एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोल दो। रानी हमने तो बहुत सोचा था मगर तुम्हारे गांव में हमें केंद्र खोलने के लिए जगह ही नहीं मिली। जगह का क्या है बहन जी, आप मेरे घर में केंद्र खोल दो। अरे वाह ये तो कमाल हो गया, चलो कल ही तुम्हारे घर केंद्र खोल देते हैं। वो सब आप जानो, मैं गांव की और औरतों को भी बुला के रखूंगी। चलो ठीक है पहले अपना काम तो करो। चलो काम करो, लाओ तुम सब भी अपनी स्लेट दो। ये कोशिश कठिन है पर करनी पड़ेगी, कर एक बार रानी, कर एक बार, कर एक बार रानी, कर एक बार। हिम्मत न हार रानी, हिम्मत न हार, हिम्मत न हार रानी, हिम्मत न हार। अरे ये क्या हो रहा घसीता? क्यों क्या हो रहा है लाला? अरे यही सुना कि तेरी बीवी घर पे स्कूल खोले है, ये क्या है ये? वो स्कूल विस्कूल कुछ नहीं है लाला। अरे अरे गांव की सब औरतों वहाँ पढ़ना लिखना सीख रही है और तू कहता स्कूल नहीं है वो। हाँ लाला वहाँ कौन सा स्कूल की तरह पहली दूसरी तीसरी कक्षाएं लगती हैं, वहाँ तो बस औरतों को थोड़ा बहुत पढ़ लिख सके इतना सिखाते हैं। अरे ये तो और भी वक्त की बर्बादी हुई। अरे यहाँ पर चक्की पे शाम को औरतें दिहाड़ी लगाती थी है? और अपने बच्चों के लिए चार पैसे कमा के तो ले जाती थी। हाँ ये बात तो सही है लाला जी, पर वो कहती है कि पढ़ना लिखना सीखने के लिए उसकी कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ हाँ दे दे कीमत, चार अक्षर पढ़ने से तो लड्डू नहीं मिलने वाले। हाँ ये बात तो हमारे मन में भी आती है लाला जी, पर वो जो मास्टर नहीं है ना, वो जो उनको पढ़ाने के लिए आती है, वो कहती है कि हमें पढ़ने लिखने के बहुत सारे फायदे हैं। फायदे के फायदे हैं? वो कहती है कि हम गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, पर हम बेपढ़े लिखे होने की वजह से उनका कोई फायदा नहीं उठा पाते। अरे बकवास कर रही हो मास्टर नी, जादू का डंडा नहीं पढ़ाई लिखाई। अरे जरा शहर में जाके देख, लाखों पढ़े लिखे लोग बेरोजगार सड़कों पे मारे मारे फिरते हैं। हाँ पर लाला हमें कौन सा शहर जाना है? मुझसे जवान लड़ाने की जरूरत नहीं है, बंद करा रहे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र और दफा कर दे उस औरत को। अच्छा ठीक है लाला मैं बात करता हूँ। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, उसने हमारे सारा धंधा ही खराब कर दिया। योजना है या पार्सल करना है तो इस खिड़की पर जाइए, पार्सल रसीद लेना ना भूलिएगा। ये तेरा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र एक दिन हमारी रोजी रोटी लेकर रहेगा। अब क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो लाला दमड़ी लाल भाड़ में पड़े चने की तरह गुस्से में उछल रहा है। क्यों? अरे तू क्यों पूछ रही है? शाम को सारी की सारी मजदूरनियां तेरे यहाँ प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में आ जाती है तो वहाँ गेहूँ की सफाई कौन करेगा, भूत प्रेत? यह तो कोई बात नहीं हुई, कोई पढ़ लिख कर अपना जीवन सुधारना चाहता है और शाम की मजूरी नहीं करना चाहता तो उसमें उसका क्या? कुछ नहीं, मगर वो लाला सबको नौकरी से निकाल देगा। नहीं निकाल सकता, मरना है उसे। मैं कहता हूँ बंद कर इस सेंटर मेंटर को। नहीं मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। ठीक है फिर मर। रसीद इस बात का सबूत है। बिरजो। हाँ जी। कितने पैसे हैं इनके? 12 रुपया। राम राम लाला। आओ आओ आशीष भी चंद जी, गेहूँ तो नहीं लाए क्योंकि इस वक्त पिसाई नहीं हो सकती। हमें मालूम है लाला, हम इसीलिए गेहूँ नहीं लाए, हम तो ये देखने आए हैं कि तुम्हारी नाक के नीचे जो तुम्हारी कब्र खुद रही है उसके बारे में भी तुम्हें पता है कि नहीं। खबर नाक के नीचे क्या मतलब? मतलब ये
कि गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुल गया है, उसके बारे में कुछ पता है? अरे हाँ हाँ, हमें मालूम है। हमारे यहाँ मजदूर घसीता राम है ना, उसी के घर तो खुला ये केंद्र। बहुत अच्छे लाला दमड़ी लाल, तुम्हारे पाँव पर घास उगाई है और तुम एक पत्थर की मूर्ति की तरह बेखबर खड़े हो। हमारी तो कुछ भी बात समझ नहीं आई तुम्हारी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो सेठ अचरपी चंद? लो और सुनो लाला, आज तुम्हारी दुकान पर मजदूर नियों की बिनाई करने आई हैं। हाँ हाँ आती हैं, सुबह आती हैं। अरे पहले तो शाम को भी आती थी, अब क्यों नहीं आती? पता नहीं, मर्जी है उनकी। अरे मर्जी नहीं लाला, अब वो शाम को प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जाती हैं। तो जाने दो, इससे हमारे सेहत पे क्या असर पड़ता है? अरे वाह लाला, ये मजदूरनियां शाम को पढ़ना लिखना सीखने शिक्षा केंद्र जाती हैं। तो सीखने दो। हमें तो कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि तुम इतनी कम अकल से इस दुनिया में अब तक कैसे गुजारा कर रहे हो। कम अकल की? इसमें हमने कौन सी ऐसी बात कह दी? अरे लाला, तुमने ये कभी सोचा है कि अगर ये मजदूरनियां पढ़ लिख गई तो तुम्हारी दुकान पर घूम बीनने आया करेंगी? कभी नहीं आएंगी, और अगर आएंगी भी तो इस ओनी पोनी दर पर काम नहीं करेंगी। तो मैं तबाह हो जाऊंगा। अब आई ना बात कुछ भेजे में। मगर हम कर भी क्या सकते हैं? लाला, तुम अपने मजदूर घसीता राम को कहकर इन प्रौढ़ शिक्षा केंद्र वालों को उसके घर से निकलवा सकते हो, ये तो कर सकते हो। आने दो घसीता राम को। रानी। अरे रमा, तू इधर कैसे? क्यों, तू मेरे घर आ सकती है और मैं नहीं? अरे नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं। तो फिर? भाई सुनने में तो यही आया है कि कुआं प्यासे के पास नहीं आता, लेकिन कभी कभी आ भी जाता है। अच्छा। और सुना, कैसा चल रहा है तेरे गांव का प्रौढ़ शिक्षा केंद्र? बहुत अच्छा चल रहा है, 10-11 औरतें आने लगी है। अच्छा। हाँ। तेरी पढ़ाई लिखाई तो हुई है कुछ? हाँ हाँ, अब तो मैं भी पढ़ना लिखना सीख गई हूँ, बस थोड़ी सी लिखावट साफ नहीं है। कोई बात नहीं, पढ़ना लिखना सीख गई है तो समझ ले तेरा काम बन गया। काम बन गया? कौन सा काम बन गया? तुम मेरी तरह आया वाला काम करना चाहती थी ना स्कूल में? हाँ हाँ, ऐसी नौकरी है कोई? हाँ, मेरी अपनी नौकरी। तुम मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़ देगी? अरे नहीं नहीं, मैं इतनी बड़ी महात्मा नहीं हूँ। बात यह है कि मेरे मर्द की दिल्ली में नौकरी लगी है और मैं उसके साथ दिल्ली जा रही हूँ और वहीं पर जाकर काम करूंगी। अच्छा अच्छा, तो तू अपनी जगह मुझे रखवाना चाहती है? और क्या। रमा, तेरा मुझ पर ये उपकार होगा? उपकार मेरा किया कुछ नहीं है, उपकार मानना है तो इस पढ़ाई लिखाई का मान। इसके बगैर मैं तेरे लिए छाते भी कुछ नहीं कर सकती थी। अच्छा हुआ कि तू पढ़ना लिखना सीखे। तो चलो इसी बात की खुशी पर एक एक कप चाय हो जाए। ठीक है, बनाती हूँ। देखो बहनों, आज मैं प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के मास्टर निजी से एक फायदे की बात सीख कर आई हूँ। क्या बात? देखो, हमें अपना जीवन सुखी बनाने के लिए बहुत सी चीजें चाहिए, जैसे गैस का चूल्हा, सोने के लिए चारपाई, ओढ़ने के लिए रजाई, और गर्मी से बचने के लिए पंखा, और गाने सुनने के लिए रेडियो। हमारे पास एक साथ इतने पैसे होते कहाँ हैं जो ये सब चीजें खरीद सकें? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मगर कभी ये सोचा है कि हम 20 औरतें मिलकर 50-50 रुपए इकट्ठा करें, वो 1000 रुपए की रकम बन जाती है, जिससे एक बड़ी जरूरत की चीज खरीदी जा सकती है। खरीदी तो जा सकती है, लेकिन इतनी औरतें 50-50 रुपए डालेंगी, वो खरीदी हुई चीज रखेगा कौन? ठीक सवाल किया तुमने, यही सवाल का जवाब आज मैं प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में मास्टर निजी से सीख कर आ रही हूँ। अरे वाह, बताना रानी, फिर हमें भी बताना। देखो, सब ध्यान से सुनो, इसे चिट फंड स्कीम कहते हैं। हम 20 औरतें 20 महीने तक 50-50 रुपए डाला करेंगे, और इस तरह जो हर महीने 1000 रुपए की रकम इकट्ठा होगी, वो हम एक एक करके लेते रहेंगे। ये तो झगड़े वाली बात हो जाएगी ना, ये कैसे तय होगा कि 1000 पहले कौन लेगा, फिर उसके बाद कौन लेगा, फिर उसके बाद कौन लेगा? हाँ रानी, ये तो झगड़े वाली बात हो जाएगी। अरे झगड़ा नहीं होगा, अब जो हम सब औरतें पढ़ना लिखना सीख गई हैं, तो उसका फायदा नहीं उठाना क्या? उससे क्या फायदा उठाना है? सुनो बहन, हम 20 औरतों के नाम अलग अलग 20 कागज की पर्चियों पर लिखेंगे,
फिर उन पर्चियों को खोल कर देखेंगे, जिसका पहला नाम उसका पहला हजार, जिसका दूसरा नाम उसका दूसरा हजार, और इस तरह 20वें हजार तक। रानी ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, इसका सदस्य मुझे तो तू आज ही बना, हम सब बनेंगे और आज ही बनेंगे, है ना? हम सब सदस्य बनेंगे इसके। हाँ रानी मैं भी बनूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। लाला तुम्हारे पास ही आ रहा था। अरे क्या हो गया? कर दिया ना कल्याण तुम्हारे गांव की औरतों ने। क्या हुआ? अरे मार दी पेट पर लात, और क्या हुआ? अरे किसके पेट पर? अरे वही जो तुम्हारे सामने खड़ा रो रहा है, उसके पेट पर। मतलब तुम्हारे पेट पर? किसने मारी? ए लाला तुम्हारे इस गांव की औरतों ने, और किसने? अच्छा जैसे तुम्हें पता ही नहीं। हमें नहीं मालूम क्या किया उन्होंने। अरे गांव में सहकारी भंडार खोल लिया है। तो उससे तुम्हारे पेट पे कैसे लात पड़ गई सेठ? तुम भी कमाल के आदमी हो लाला, जब अपने गांव की दुकान पर साफ सुथरा परचून में सस्ता माल मिल जाए तो दूसरे गांव की दुकान पर कोई महंगा और मिलावट वाला माल खरीदने क्यों जाएगा? ये बात तो है सेठ, मगर तुम अपनी दुकान पर नकली और महंगा माल बेचती क्यों? लाला मैं पूछूं, तुम अपनी चक्की पर गेहूं की पिसाई क्यों लेते हो? बनावे के लिए लेते हैं और काय के लिए लेते हैं? और मेरे घर वाले भी कोई रोटी गुरुद्वारे खाने नहीं जाते। ये आजाद मुल्क है सेठ जी, और यहाँ सबको आजादी है दुकान खोलने की। दुकान खोलने की आजादी है तो दुकान बंद करवाने की भी आजादी है लाला। क्या मतलब? मतलब ये कि कहाँ गए वो तुम्हारे गुंडे जो तुमने पाल रखे हैं? मगर वो लोगों को दूसरी दुकान पे जाने से रोक तो नहीं सकते। मगर दुकान तो बंद करवा सकते हैं लाला। कैसे? लाला रात को दुकान में आग भी तो लग जाती है अक्सर। अरे क्या कह रहे हो सेठ, मरवाओगे क्या? अरे लाला सुनो, हमारे गांव के पास आटे की एक और चक्की भी है। सुनो लाला मेरा कितना माल आता है तुम्हारे पास पिसाई के लिए। अच्छा अच्छा ये कोई इंतजाम? अरे जल्दी मैं चलता हूँ। राम राम। नमस्ते लाला जी। आओ रानी बीबी। नमस्ते। कहिए कैसे बुलाया आपने? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे माफ कर दो रानी देवी। अरे रे किस बात की माफी? ये लो तुम्हारा इनाम। किस बात का? देख तो ले। पचास हजार? मेरी जिंदगी की कीमत तो इससे भी बहुत ज्यादा है, मगर क्या करूं, सुसरी कंजूसी तो मेरी जान के साथ ही जाएगी। आपकी जान की कीमत? आप क्या बात कर रहे हो? कल रात को अगर तेरी दुकान से इंजेक्शन आता तो मेरा शरीर इस पलंग पर ना होकर चिता पे होता। अच्छा अच्छा, वो रात को दुकान खुलवा कर जो इंजेक्शन ले गया था वो तुम्हारा आदमी था? हाँ रानी देवी, कल रात भगवान ने मेरी जान ही नहीं बचाई बल्कि मुझे घोर पाप से भी बचा लिया। आप क्या कह रहे हो लाला जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ रानी देवी, कल मैंने दो गुंडों के साथ बैठ के शराब पी, फिर उन गुंडों को तुम्हारी दुकान पर आग लगाने के लिए भेजा। शराब का नतीजा तो तुम देख ही रही हो। हाय राम, आपने ऐसा क्यों किया लाला जी? उस कमीने अशर्फी चंद के कहने पर। हमने उसका क्या बिगाड़ा है? क्योंकि तुम्हारे सहकारी भंडार खुलने थे, उसकी नकली और मिलावटी माल की दुकान बंद होने को जो आगे थी, मगर भगवान की लीला देखो, वो ही मिलावटी माल तुम्हारे काम आया। उसका मिलावटी माल हमारे काम आया? वो कैसे? तुम्हारी दुकान में आग लगाने के लिए जो मिट्टी का तेल उसकी दुकान से आया था, उसने आग ही नहीं पकड़ी। एक बात बोलो लाला जी। कहो। अगर हमारी दुकान जल भी जाती तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हम साक्षर हैं, हमने अपनी दुकान का बीमा भी करा रखा है। हिम्मत न हारे।